ये औरत इस हद तक गिर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सारा, बाबा इस औरत पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? तुम बाबा को उन दोनों के अफेयर के बारे में बताओ और उन्हें ये भी बताओ कि बाबा की गैर मौजूदगी में वहाज उससे मिलने आता है। बिना सबूत के ये बात मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? बीवी है वो उनकी। तुम्हें बाबा को सच्चाई बताने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है बेला, वो हमारे बाबा हैं। मेरी बात करनी, कम से कम तुम्हारी बात का तो यकीन करना चाहिए उन्हें। मैं बहुत बेबस हूँ सारा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। उस हादसे के बाद सारिम और उसके मॉम ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इन मामलों से दूर रहूं। ये कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं बेला, क्यों कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा? तुम्हारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, इसलिए तुम एक शादीशुदा लड़की के मसाइल नहीं समझ सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मिसकैरेज के बाद मुझे मेरी सास के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। वो सख्त नफरत करती है तुमसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ शिफ्ट करवा दी है। वो तो ये भी नहीं चाहती कि मैं फोन पर भी कोई रابطہ रखूं तुम्हारे साथ। तुम बस जल्दी से अपनी जॉब ढूंढो और रिहाइश का बंदोबस्त करो। मैं सारी इनसे छुपकर तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भिजवा दूंगी। कल इसी वक्त फोन करूंगी तुम्हें, अपना ख्याल रखना। चाहते क्या हो तुम हमसे? सारे भाई वो खबरदार जोएंगा मेरा से रابطہ रखने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से हमारा पहले इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और तुम अब भी हमारे बच्चे की जान तो ले चुकी हो तुम, अब क्या अपनी बहन की जान भी लेना चाहती हो? तुम्हारी वजह से वो हर वक्त अपसेट रहती है, हंसना तक भूल गई है वो। अगर तुम चाहती हो कि वो खुश रहे तो उसकी जिंदगी से दूर चल जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो सारा, तुम्हें खुदा का वास्ता है।